जयपुर से खबर है, भाजपा में ज्वाइनिंग का दौर जारी है। श्रीगंगानगर के पूर्व कांग्रेस सांसद शंकर पन्नू, पिलानी के पूर्व कांग्रेस विधायक जेपी चंदेलिया, कांग्रेस के बड़े नेता रहे पृथ्वी पाल संधुआ ज्वाइन करेंगे बीजेपी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजन हो रहा है। बीजेपी ने ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी समेत प्रमुख नेता मौजूद रहे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, बीजेपी में ज्वाइनिंग का दौर चल रहा है, कुनबा लगातार बढ़ रहा है, अब आप बताइएगा कौन कौन से वो प्रमुख नाम हैं और कांग्रेस में इनकी पारी कैसी रही है? देखिए, मोटे तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी में बीते दिनों में तकरीबन 1500 से ऊपर नेता, छोटे कार्यकर्ता, अन्य दलों के वो आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि ये दौर अभी थम नहीं रहा, लगातार जारी है। और बीजेपी के ज्वाइनिंग कमेटी के जो चेयरमैन अरुण चतुर्वेदी, उनको खासी मशक्कत करनी पड़ रही, क्योंकि बीजेपी में नेताओं की ज्वाइनिंग को लेकर और आने को लेकर तो क्रेज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो अलग अलग जिलों के स्थानीय छत्रप हैं, वो इन तमाम नए ज्वाइनिंग से उतने खुश नहीं है। हालांकि इसके बावजूद बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज दलित नेता हैं, उनकी कांग्रेस के प्रमुख दलित नेता रहे शंकर पन्नू और जेपी चंदेलिया, इन दोनों की एंट्री आज बीजेपी में हो रही है। दोनों ही कांग्रेस के बड़े नेता रहे। शंकर पन्नू तो सांसद रहे कई बार और गंगानगर हनुमानगढ़ में के बड़े नेता के तौर पर उनको जाना जाता रहा। और वहीं पर जेपी चंदेलिया, जो कि वाल्मीकि वर्ग से आते हैं और खासतौर से शिकावाटी के पिलानी से ताल्लुक रखते हैं, उनकी ज्वाइनिंग भी खासी अहम है। अशोक गहलोत कैंप में आते थे, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी वो रह चुके हैं, आज उनकी भी ज्वाइनिंग हो रही है। नंदकिशोर मैरिया, जो पहले विधायक रहे हैं, फतेहपुर से इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे, केंद्रीय मंत्री रह चुके, सुभाष मैरिया के भाई हैं, पहले भी वो एक बार बीजेपी कार्यालय ज्वाइनिंग के लिए आ चुके थे, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। ठीक इसी तरह पृथ्वीपाल सिंह संधू, जो आपको ध्यान ही है कि चुनाव लड़े थे सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के सामने, कांग्रेस के बागी के तौर पर वो चुनाव लड़ चुके हैं। अब पृथ्वीपाल सिंह संधू जो है कांग्रेस के बड़े नेता रहे, कांग्रेस के लंबे समय तक वो गंगानगर के जिलाध्यक्ष भी रहे, उनकी एंट्री आज हो रही है। तो एक तरह से कहा जाए तो और भी 40 के आसपास नेता, सामाजिक हस्तियां हैं जो बीजेपी में आज ज्वाइनिंग करेंगी। बीजेपी के सह प्रभारी विजय राहटकर और अरुण चतुर्वेदी और तमाम प्रमुख नेताओं की मौजूदगी इस दौरान रहने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी दौरे पर हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी दौरे पर हैं। तो ऐसे में जो प्रमुख नेता हैं जो जयपुर में हैं, उनके समक्ष ज्वाइनिंग की जाएगी। जेजेपी से भी कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, प्रतीक मैरिया समेत। और ये कहा जा सकता है इस पूरी जो लिस्ट है इसमें गौर फरमाएं तो हम जाट नेताओं और दलित नेताओं पर विशेष तौर पर बीजेपी ने फोकस किया है, खासतौर से गंगानगर हनुमानगढ़ का इलाके के नेता है, शेखावाटी के नेता है, शेखावाटी बीजेपी की कमजोर कड़ी कही जा रही है, तो वहाँ के नेताओं की ज्वाइनिंग है। और सीकर को मजबूत करना, चाहे झुंझुनू को मजबूत करना, मैरिया और वाल्मीकि, मैरिया और जेपी चंदेलिया दोनों ही झुंझुनू लोकसभा सीट से ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे में उनकी ज्वाइनिंग खासी अहम है। और पूरे इस कहा जा सकता है लगातार बढ़ते कुनबे पर अगर नजर डालें तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय पहले बड़े चेहरे थे जो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, उसके बाद पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, आलोक बेनीवाल, सुरेश चौधरी और तमाम बड़े नेता, और इसके साथ ही ज्योति मिर्धा के चाचा ऋषपाल मिर्धा, उनके पुत्र विधायक रह चुके विजयपाल मिर्धा, उनकी भी ज्वाइनिंग बीजेपी में हो चुकी है। तो पिछले कई दिनों से कई बड़ी ज्वाइनिंग बीजेपी में हुई। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट एमएलए जीते हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रति विश्वास जताते हुए बीजेपी का साथ देने का उन्होंने एक तरह से सपोर्ट में वो आए हैं। चाहे वो चंद्रमा नाकिया को तो आपने देखा ही होगा, कल कंधे से कंधा मिलाकर वो सीपी जोशी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे। ये बड़ी बात है चित्तौड़ में, ये जो राजनीतिक एकता बीजेपी में हुई है ये सीपी जोशी के लिए बेहद खास है, क्योंकि चंद्रमा नाकिया एक बार तो चुनाव लड़ने की कह चुके थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, दम्भ भर रहे थे वो, लेकिन अब वो अपनी मूल पार्टी के प्रति सॉफ्ट हुए हैं और सीपी जोशी से तल्खियां बुलाई है उन्होंने। और इस पूरे गणित में
बीजेपी के राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अहम भूमिका रही, जो इस तरह की कहा जा सकता है लोकसभा सीटों की जो राजनीतिक गणित है वो बीजेपी के पक्ष में करने में जुटे हैं। ये जरूर है कि रविंद्र सिंह भाटी नहीं माने हैं और वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है बाड़मेर जैसलमेर का। ये एक अलग तरह का राजनीतिक कहा जा सकता समीकरण है जो बाड़मेर जैसलमेर में नजर आ रहा है। इसके पीछे कौन लोग हैं ये तो चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि रविंद्र सिंह भाटी चुनावी ताल ठोकरे और त्रिकोणीय संघर्ष के हालात पैदा करना चाह रहे हैं वो बाड़मेर जैसलमेर की सीट। तो तमाम जो राजनीतिक एंट्रीज भारतीय जनता पार्टी में अन्य दलों से हुई है वो अपने आप में बेहद खास है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ क्षेत्रों की एंट्रीज को लेकर जैसा मैंने पहले कहा कि स्थानीय जो विधायक है उनकी प्रतिक्रिया थी, उनका रिएक्शन था, वो खुश नहीं थे। और आपको बता दें कि जो नए लोग आए हैं उनमें जो प्रभावी लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी टास्क में भी लगा दिया। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर शिखा केंद्रीय मंत्री रह चुके लालचंद कटारिया को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा शेड्यूल दे दिया है मीटिंगों का, राजेंद्र यादव को पूरा शेड्यूल मिल गया है और दोनों ही नेता जो आ चुके हैं वो दौरे कर रहे हैं। और खास बात है एकता भी दिख रही है, सतीश पूनिया, डॉक्टर किरणलाल मीणा, ये तमाम वो चेहरे थे जिन्होंने कल लालचंद कटारिया राजेंद्र यादव और को मिलवाया था प्रधानमंत्री मोदी से। और एक तरह से मंच पर भी नरेंद्र मोदी का कल का जो स्टाइल था वो अपने आप में अनूठा था, बेहद कॉन्फिडेंट उनके चेहरे पर झलक रहा था और बहुत आत्मविश्वास के साथ वो कह रहे थे कि 25 की 25 सीटें। बिल्कुल योगेश जी, और आपने बड़ी ही बेहतर ढंग से इन ज्वाइनिंग के मायने भी समझा दिए और क्या नई भूमिका अदा करते हुए दिखाई देंगे ये वो भी समझा दिया। बहुत शुक्रिया आपका योगेश जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।